मेरे पाकिस्तानी हूँ, मैं ये बार बार कह बैठा हूँ कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा गया है 6000 अरब से 30000 अरब पे। इससे हमें क्या नुकसान हुआ है कि जितना भी पिछले साल हमने टैक्स इकट्ठा किया था, आधा टैक्स उसमें से इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे गया। इसका मतलब क्या है कि हम कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। इसको अंग्रेजी में डेट ट्रैप कहते हैं। मतलब ये कि आज हम कर्जे ले रहे हैं सिर्फ इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे। हम यहां क्यों पहुंचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, क्योंकि उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूं, वो है कि अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक है। इस स्कीम से आपको मौका मिलता है कि आपने जो पैसा घर में रखा हुआ है, जो डॉलर रखे हैं, जो सोना रखा है, जो आपके बाहर असासे हैं, जो आपके बेनामी असासे या बैंक अकाउंट्स हैं, इन सबको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यह आपके पास सुनहरी मौका है। और जब तक कि कौम मिल के गवर्नमेंट के साथ ये फैसला नहीं करेगी कि हमने ये मिल के इस कर्जों की दलदल से निकलना है, हम नहीं निकल सकते। और मैंने अपनी कौम को देखा हुआ है। शौकत खाना में तो मैंने देखा ही हुआ कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन 2005 में जलजला आया, मैंने अपनी कौम को एक्शन में देखा। 2010 में जब सैलाब आए, अरबों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन जिधर भी पाकिस्तानी थे सारे पाकिस्तानियों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और हम निकल गए। इससे हम आराम से निकल सकते हैं। हमने अगले साल 5.5 हज़ार अरब रुपया इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल में अगर कौम फैसला कर ले, हम हर साल 8000 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे मसले हल हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, हम अपने लोगों को गुरबत से निकाल सकते हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसके लिए आपकी ज़रूरत है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने मुश्किलात ना आए। FBR के पास सारा वो डेटा अवेलेबल है, और अगर आप FBR की मालूमात वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप अपना डेटा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं। मैं नहीं चाहता आपको मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएँ और इस मुल्क को इस मुश्किल